2020 से सॉरी 2020 से नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स जो है ये ऑनलाइन भरा जाता है। यानी मैंने अगर फॉर्म भरना है तो मैंने खुद अपना डाटा भरना है वहां पे कि मैंने क्या क्या किया। तो जब मैं वहां पर मैं वो डाटा भरता हूं तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी एक सीईओ लेवल के 3 लोग होते हैं और वो क्या करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपने देखते हैं कि कितने लोग इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं और उस क्राइटेरिया में जो सबसे टॉप 2 होते हैं उन टॉप 2 का नाम जो रेकमेंड होता है डिविजनल लेवल पे। तो डिविजनल लेवल पे फिर शॉर्ट आउट होते हैं पूरे दोनों डिवीजन से जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन से दोनों जगह से शॉर्ट आउट होते हैं बेस्ट 2 नेम्स उनको नेशनल अवार्ड के लिए वहां से रेकमेंड किया जाता है सिर्फ रेकमेंड किया जैसे इस साल नेशनल अवार्ड हमारे जम्मू कश्मीर से किसी को नहीं मिला। तो वो जरूरी नहीं है कि नेशनल अवार्ड सबको मिले वो फिर एक वाइवा होता है वहां पर नेशनल अवार्ड के लिए डायरेक्ट दिल्ली की टीम बैठती है और वो एक इंटरेक्शन करती है जो नेशनल अवार्ड यहां से टॉप 2 होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होती है और जो अगर उनको लगा कि भाई मतलब सारे क्राइटेरिया में ये फॉल करता है तो फिर जाके वो जो है उसको उधर नेशनल अवार्ड के लिए मतलब वो सिलेक्ट कर ले। अब ये है कि हम जब भी मैंने 3 साल से रेगुलरली नेशनल अवार्ड के लिए भरा 3 साल से मुझे पता था कि मैं डिजर्व नहीं करता हूं इसके लिए रेगुलरली ऑनेस्ट। और मैं क्या करता था कि जब क्यों मगर मैं भरता क्यों था मैं भरता इसलिए कि मैं अपना असेसमेंट हो जाता टीचर का कि मेरा सबसे पहला कि मेरा फील्ड कितना है मैंने कहां कहां काम करा और क्या क्या मैं कर सकता हूं। जैसे अगर आप स्वयं पे कोई कोर्स करें तो 2 नंबर है कम्युनिटी में कोई सर्विस करते तो 35 नंबर है। यानी कि सिर्फ स्कूल में ही काम करना ही एजुकेशन नहीं स्कूल के अलावा जैसे आपने जैसा 15 अगस्त 26 जनवरी या बाकी काम सोशल सर्विस की जो स्कूल के माध्यम से हम कर सकते हैं उसके 35 नंबर है नेशनल अवार्ड के तो उसको भी देखा जाता है कि वो आपने किया कि नहीं किया। उसके अलावा आपका और फील्ड क्या क्या है यानी आपके हर एक क्राइटेरिया को देखा जाता है। तो मैं पीटीएम पे भी जब वो भरते सर वो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जब भरते मैं अपना भी एक मतलब टारगेट लेके मेरा डीडीओ क्या सोचता है क्या देखता है क्योंकि इतना बड़ा जब एक जेडीओ होगा तो जेडीओ के अंदर 300-400 सबको देखना मुमकिन नहीं हर एक का लेकिन मैं अपना एक क्राइटेरिया लेके चलता हूँ कि अगर मेरा जून में इतने काम किए जुलाई में मेरे कम नहीं होने चाहिए जुलाई में उससे ज्यादा होने चाहिए अगस्त में उससे ज्यादा होने चाहिए अपने लिए असेसमेंट। तो मेरी नेशनल अवार्ड के लिए जब भरते हैं तो मेरा अपना असेसमेंट हो जाता है कि मैं कहां पर फॉल करता हूं मैं कुछ अपनी मतलब जस्टिस कर पाता हूं अपनी जॉब के साथ ही नहीं। तो मैं कोशिश करता हूं मैं टारगेट लेता हूं कि मैं कम से कम कुछ इनोवेटिव कुछ नया यानी स्कूल में पढ़ाना उसके लिए तो हमें तनख्वाह मिलती है उसके लिए कोई एहसान ही नहीं है स्कूल में जाना ड्यूटी करना पढ़ाना उसके लिए तनख्वाह एहसान कुछ नहीं है एक टीचर के लिए वो काम करना है लेकिन स्कूल में जाकर कुछ नया जब तक न करें कुछ नया अबे अगर वही कॉपी पेस्ट वाला मसला कि जैसे हमको टीचरों ने पढ़ा वही हम भी पढ़ा रहे हैं वही कर रहे हैं हम लोग कि मैंने तो 2000 से मैं जब हम लगे थे सर 2000 से 2005 तक जितना ज्यादा काम मैंने उसके बाद कभी नहीं किया लेकिन वो काम सारा बेकार हो गया सारा जाया हो गया सारा वेस्ट हो गया क्योंकि हाउ टू टीच वो बात ज्यादा जरूरी है व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। हमें सिलेबस दिया जाता था ये मगर ये पढ़ाना कैसे वो पता ही नहीं वो 5 साल मैंने उन बच्चों के भी बर्बाद कर दिए अपनी मेहनत के भी बर्बाद कर दिए मेरे को लगता है मेरे को जब मैं अपना असेसमेंट करता हूं कि वो 5 साल मैंने वेस्ट कर दिए क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि पढ़ाना कैसे। और जब भी मैं बुक्स देखता था या कोई भी स्कीम जैसे कोई गवर्नमेंट की आती ना भाई ये वाला करो मुझे लगता भाई वो तो एसी रूम्स में बनाए और मैंने सुना भी था ट्रेनिंग्स में ये जी प्लान जो एसी रूम में बैठ के बनाए जाते हैं और ये जी ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे मेरे जहन में भी वही था और मैं क्या करता था अपना वाला वही फार्मूला वही फंडा जो मेरे सर ने मुझे पढ़ाया था वो मैंने उनको करना मारना पीटना कूटना मतलब यही गालियां देना मेरे 100 बच्चे स्कूल के अंदर एक भी बच्चा किसी कमरे से शोर नहीं कर सिंगल टीचर था 3 साल 100 बच्चे से 150 हो गए और पेरेंट्स सारे खुश उनको क्या पता बेचारे को एजुकेशन क्या है वो सारे मेरे से खुश क्योंकि वो मैं जाता था स्कूल मैं खोलता था स्कूल जिनके स्कूल बंद होते थे मैं खोलता था कंटिन्यू खोलता था वो सारे खुश लेकिन उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है उनको भी नहीं पता मुझको भी नहीं पता।
तो मैंने जो नाइंसाफी उस पीरियड में की क्योंकि अनट्रेन थे, पता ही नहीं था किस तरीके से पढ़ाना, तो आहिस्ता आहिस्ता सर इंप्रूव किया और फिर मुझे लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि जो ये पॉलिसीज बनाते हैं वो बड़ी सोच समझ के बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स बनाते हैं, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट बनाते हैं, वो सोच समझ के बनाते हैं हमारे लिए, वो हमारी क्या है, शायद मेरी काबिलियत की कमी है कि मैं उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। और आज मुझे लगता है कि कहीं से मिल जाए, आज मैं फटाफट देखता हूं कि भाई कहीं से मिल जाए कि क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट, उसको फटाफट इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट आते। सर आज मुझे बच्चों को बोलना पड़ता है भाई साहब बैठ जाओ, तो मतलब पहले ये बोलना पड़ता था भाई साहब उठो क्वेश्चन तो करो, बच्चा हिंदी नहीं करता था क्वेश्चन करने की क्लास में, उसको एनवायरमेंट ही हमने नहीं दिया था वो क्वेश्चन करने का क्लास में। लेकिन आज मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में ऐसा एनवायरमेंट बन गया है कि बच्चे अब प्रश्न पूछते हैं, बच्चे अब उठ उठ के पूछते हैं सर ये हमें चुप कराना पड़ता है, भाई साहब टाइम हमें दो जवाब देने का, यानी इतना माहौल, वो माहौल जब तक ना हम स्कूल में तैयार करेंगे मुझे लगता है कि वो एजुकेशन हमारी तब तक वेस्ट है। जब तक ना बच्चा पढ़े, बच्चा पढ़ने के लिए लाइक हो, बच्चा खुद पढ़ने का शौकीन बने, तो उसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अपने आप को चेंज, जब हम लगे थे ना सर, तो एक सर थे, हमारे नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो एज्ड थे, तो वो एक फार्म होता सर, पहले क्या होता थे कि वो फार्म नहीं, पहले हाथ से भरते थे, कोई भी फार्म होता था हाथ से भरते थे, जैसे नेम, नंबर ऑफ स्कूल, कोड, ये वो, तो वो हमारे के लगे थे, नए नए कॉलेज से निकले थे, तो बोलता था सर, वो पुराना टीचर था, बोलता था सर इसको बताओ इधर क्या भरना है, इधर क्या भरना है, तो कुछ टीचर हंसते थे कि भाई यार हमें भी हंसी आ रही, भाई इसको भी आता है, लेकिन आज वो दौर आ गया हमारे लिए, आज कंप्यूटर पे भरना सारा ये बात, तो आज हमको, हम पे नए लग बच्चे हंसते हैं, बोलते भाई इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसको ये करना है, और आगे नेक्स्ट में वैसा दौर आएगा कि उनपे लोग हंसेंगे, और अगर उस हंसी को रोकना है अपने आप को चेंज कर, यानी किसी ने कंप्यूटर मुझे नहीं सिखाया, जगदीश सर को नहीं सिखाया, खुद सीख लिया, सीखना पड़ता है, यानी अपने आप को चेंज करना, अपने आप को एनवायरमेंट के साथ चेंज करना है, तब जाके हम सर्वाइव कर पाएंगे। टीचर मुझे जहां तक लगता है, मेरी इंटरप्रिटेशन है, कोई फैक्ट जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट हो सकता है 100%, मैं कहता हूं कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम अपने आप को माहौल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं करेंगे, हम डेडवुड हो जाएंगे। एक सरकार ने निकाली ना स्कीम डेडवुड सर, तो मुझे लगता है कि हमें खुद ही एहसास हो जाता है कि हमें भी डेडवुड नहीं, क्योंकि मैं जो मेरा मुकाबला आज YouTube के साथ है, Google के साथ है, यानी मैं क्लास में जाता हूँ, मैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ाता हूँ, बच्चे को लगता है बैगड़, मतलब मुंह उसको लगता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप उसके दिमाग में देखो, बोलता है भाई बकवास कर रहा है, मैं इस शाम को जाके YouTube सर्च करूंगा, इससे बढ़िया आइडिया है वहां पे, वहां से मैं ले लूंगा। मेरा मुकाबला यूट्यूब के साथ है आज, यानी मेरा लेक्चर इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसको यूट्यूब पे कहीं ना मिले हो, मेरी क्वालिटी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि YouTube, Google वहां पे फेल हो जाए, खान सर फेल, नहीं तो बोलेंगे खान सर को सर्च करें शाम को कितना इजी से पढ़ा लेता है, तो क्यों हम इसकी टक 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 दिन को सुनते रहेंगे। तो कोशिश प्रयत्न ये कि हम अपने आप को बदले, और वो मैंने कोशिश की थोड़ी सी 10%, 90% 100% नहीं कर पाए, लेकिन 10% की थोड़ा अपने आप को हम इम्प्रूव करें। उसके बाद सोसाइटी में, जैसे सर हमारे हाई स्कूल दुर्बिल में अपने, जब जब आपका ऐसा माहौल रहता ना सर वहां पर सोसाइटी में, तो सभी लोग सुनते हैं फिर सर जमीन कौन देता है, जमीन देना आज कोई मुफ्त में, फ्री में, तो वहां पर क्या हुआ, हमारे 3 कमरे आए रमसा के अंडर, तो हमने बोल दिया बना दो अश्विनी सर से बात की, बोलता बनाने, तो उसी बिल्डिंग पे हमें आरएनबी की भी बिल्डिंग सेंक्शन होगी। अब आरएनबी की बिल्डिंग के लिए जमीन नहीं हुई, तो मैंने बोला बना लो, अपने दाम पे नहीं बोला, वहां पे 2-4 लोगों को बुलाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मसला है, अगर हम ऐसा करें कि ये 3 कमरे भी बन जाए और नए 8 कमरे भी ले जाएगा तो कितना अच्छा होगा। बोला ये क्या प्लान है, हमने प्लान बना दिया उसके लिए, प्लान ए बी जो होगा। तो ओम प्रकाश सर नाराज हो गए थे, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, बोले मेरे को भी फोन किया, मेरे अपने साहब को फोन किया, बोला आपने 4 लाख के लिए वो 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ की आरएनबी की बिल्डिंग है, तो बोला वो ठुकरा दिया और वो अपने पकड़ा 8-10 लाख की बिल्डिंग। तो हमने चुपरा में, अब गारंटी तो नहीं थी कि वो बन सकती है वहां पे बिल्डिंग, गारंटी नहीं थी, मगर उनने एश्योरेंस दिया था कैसे, बोलता आप बात करो,
तो मैंने बात छेड़ी उसके साथ, उस बंदे के साथ, जमीन मालिक के साथ। मैंने बोला ऐसे ऐसे है, तो थोड़ा मोटिवेशन देनी पड़ती है कि भाई आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य। और वहां पर ऑलरेडी बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसका प्रोसीजर शुरू किया, उसको डिसमेंटल थ्रू प्रॉपर चैनल करवाया, और आज वहां पर वो 18 लाख की रमसा बिल्डिंग भी बन रही है और 1.5 करोड़ की 8 कमरों वाली बिल्डिंग भी बन रही है। पूरे मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में हाई स्कूल की सबसे बड़ी बिल्डिंग वो हाई स्कूल दोपहर में बनने वाली है। और जब हम हाई स्कूल डिग्री में आए, अभी यहां पर जमीन का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला, हमने लिखा दिया है कि हमारे पास जमीन अवेलेबल है, थोड़ी दूर है वो, तो मेरी अपनी जमीन है, हम देने को तैयार है, लेकिन नजदीक वाली थी तो बोला इसके लिए क्या करना है, तो हमने क्या कर दिया, बोला कि डोनेशन दे देंगे सर। पूरे गांव में हमने अभी चक्कर मार रहे हैं हाई स्कूल डिग्री के लिए कि पूरे गांव से डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं कि 500-600 हजार रुपया। उससे क्या होता, समाज की भागीदारी भी हो जाती, वो जो जमीन वाला वो गरीब है, तो हमने एक प्रण लिया कि हम उसको वो दे देंगे और बदले में वो जो है वो ले लेंगे। तो टीचर चाहे तो अपनी कोशिश करे, और गांव में मुझे लगता है अभी मैं तो सभी टीचरों से आह्वान करूंगा कि आप गांव में आइए, और वहां पर करने के लिए बहुत कुछ है। यानी आपको प्रोडक्ट, सिटीज में क्या होता है सर कि यहाँ पर बॉयज और हाई गर्ल्स हाई सेकेंडरी के अलावा जो है इतना अच्छा प्रोडक्ट स्कूल में नहीं आता, ईमानदारी वहां पे प्रोडक्ट अच्छा आता है, बस वहां हमारी कमी, वहां हम फेल हो जाते, बच्चों की कमी नहीं, वहां बच्चे बहुत अच्छे हर एक फैमिली से आते, हर एक आईक्यू लेवल से वहां बच्चे आते, बस उनको स्टाफ की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की कमी, जो मुझे लगता है तीन कमियां मुझे लगता है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और बनाई जाते हैं ZDO साहब तो लास्ट रिटायरमेंट पे 2 साल के लिए, CO साहब 2 साल के लिए, 6 महीने 3 महीने, हेडमास्टर 2 महीने 3 महीने, 6-2 साल 3 साल, अगर यंग लोगों को वहां पे लाया जाए तो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, मुझे लगता है कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है किसी से कम नहीं, सबके साथ हम कम्पीट कर सकते, कोई भी प्राइवेट स्कूल हमारे मुकाबले में नहीं टिकेगा, ये गारंटी है। हमारे वही टीचर जो इलेक्शन, सबसे मुश्किल काम इलेक्शन का होता है, सबसे मुश्किल काम इलेक्शन कराना होता है, वहां पर हमारे टीचर काम कर रहे हैं, सेंसस का जो भी टफ काम होता है, टफ जॉब होता है, वो टीचर करता है। तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंट में क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में कहीं कमजोरी है, सिर्फ टीचर जिम्मेवार नहीं है सर इसका। तो मैं यहां पर ज्यादा समय ना लेते हुए मैं ZDO किश्तवाड़ सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और टीचर्स डे के दिन भी जून सिर्फ किश्तवाड़ में एक भव्य प्रोग्राम हुआ, जो हमने देखा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आपने ठाकराई में हुआ था सर, तो बाकी कहीं पर भी ऐसा प्रोग्राम टीचरों को सम्मानित करने के लिए नहीं हुआ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है ऊपर से कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जो मुझे लगा वहां पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर आए तो वो हमारे पास नहीं आते थे, बोलते आप खड़े हो जाते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर बोलते बैठे रहो, यानी कि इतना रिगार्ड, वो टीचर वो हमारे लिए रिगार्ड नहीं था, सभी टीचिंग कम्युनिटी के लिए रिगार्ड था। तो बहुत LG सर का बहुत अच्छा मतलब एटीट्यूड है एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रति, जब से वो आए हैं बिल्कुल तब से टीचर डे को इतना कॉम्पेंट शो के साथ मनाया जा रहा है उनके वो दिशा निर्देश पे। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऊपर उठाने के लिए जो है अच्छे से अच्छे लोगों को लाया जा रहा है, तो ऐसा एनवायरमेंट बनाने के लिए स्टेट अवार्ड तो सिर्फ सर ने, जैसे बोला राजेश सर ने कि ये तो एक एनवायरमेंट है कि ताकि सभी लोग प्रेरित हों, और इसमें तो ये भी रखा क्राइटेरिया कि स्टेट अवार्ड जिसको एक बार मिला उसको दोबारा नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब क्लियर बात है कि दूसरे को चांस मिलेगा, दूसरे को तैयारी, तीसरे को तैयारी करनी है इसके लिए, इस अवार्ड के लिए। तो मेरा आह्वान सबसे रहेगा हर जगह पे कि इसमें जो है अप्लाई करें सभी, अपना एक असेसमेंट होता है कि मेरा मैं कहां पर हूं, क्या क्या मुझे करना चाहिए। तो एक बार फिर से संजीत सर और यहां पर आए हुए सभी लोगों का, ZDO साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमको यहां पर आने का जो है आप सबके साथ मिलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।